बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अज़र आपको स्टूडेंट वेलकम करता हूँ। स्टूडियो में बात करें जॉब अपॉर्चुनिटी पब्लिक सेक्टर कंपनी, पब्लिक सेक्टर कोई कंपनी है उसके अंदर जॉब्स आई हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर जो है वो जॉब्स हैं। डिटेल शेयर करता जाऊँ तो तकरीबन 36 के करीब जो है वो जॉब्स हैं और इसके अंदर जो है वो मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और पूरे पाकिस्तान से ये ऑलमोस्ट मतलब कि इसमें बंदे अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं, आईटी की हैं, एचआर की हैं, फाइनेंस की हैं। कंप्लीट डिटेल आप लोगों से शेयर करता हूँ कैसे इसमें अप्लाई करना है, क्या इसका तरीकाकार है। सबसे पहले बात कर लेते हैं चीफ फाइनेंस ऑफिसर की, तो इसके अंदर जो है वो सीए वगैरह मांगा हुआ है। चीफ इंटरनल ऑडिटर की बात करें फाइनेंस की है, इसके अलावा डायरेक्टर प्रोजेक्ट इंजीनियर की बात करें बीएससी सिविल मांगा हुआ है, प्रोजेक्ट मैनेजर की बात करें बीएससी सिविल मांगा हुआ है, मैकेनिक भी चलेगा, 10 साल एक्सपीरियंस। अच्छा, जो भी है सीटें इनमें 10 साल 3 साल एक्सपीरियंस मांगा हुआ, किसी में A1 ईयर एक्सपीरियंस भी है। वो कम्प्लीट डिटेल आप लोगों से मैं शेयर करता हूँ। इसी तरह बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर की, तो बीएस सिविल में मांगा हुआ है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर की बात करें बीएस सिविल में मांगा हुआ है, मॉनिटर रिक्रूटमेंट की बात करें या सप्लाई चेन मैनेजमेंट में की बात करें मास्टर डिग्री मांगी हुई है, 12 साल एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। सीनियर मैनेजर एचआर की बात करें 12 साल एक्सपीरियंस है, मास्टर डिग्री एचआर में मांगी हुई है। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की बात करें तो मिनिमम 5 साल एक्सपीरियंस ग्रेजुएशन मांगा हुआ है। इंजीनियरिंग के अंदर मैनेजर क्लोजिंग एंड बिल्डिंग की बात करें तो 12 साल एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, मास्टर डिग्री मांगी हुई है। मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें 15 साल एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, LLB जो है वो होना चाहिए। प्रोजेक्ट अकाउंटेंट की बात करें 7 साल एक्सपीरियंस ये होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट स्पेशलिस्ट की बात करें 7 साल एक्सपीरियंस LLM होना चाहिए। डायरेक्टर IT की बात करें 15 साल एक्सपीरियंस, मास्टर इन IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए। डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग की बात करें तो 8 से 10 साल एक्सपीरियंस MBA होना चाहिए। एनालिस्ट मैनेजर मेकिंग की बात करें 2 से 3 साल एक्सपीरियंस BBA होना चाहिए। HR एग्जीक्यूटिव की बात करें 3 साल एक्सपीरियंस MBA होना चाहिए। मैनेजर डिप्टी मैनेजर HR लैंड सुपरवाइजर CAD ऑपरेटर और सब इंजीनियर की बात करें 5 साल इनका एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल है इनका मांगा हुआ है और सिविल इंजीनियर के लिए जो है वो DA मांगा हुआ है। अच्छा जी, एज रिलैक्सेशन आप लोगों के सामने यहाँ पे मेंशन आ रही है, 35 साल 40 साल 50 साल तक बंदे अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं एक्सपीरियंस बंदे। नेटवर्क स्पेशलिस्ट की बात करें 5 से 7 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर के अंदर 35 साल उम्र होना चाहिए, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर ERP स्पेशलिस्ट की बात करें 5 से 7 साल एक्सपीरियंस, मास्टर डिग्री, 35 साल उम्र, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग की बात करें फ्रेश ग्रेजुएट जो है बंदा वो भी अप्लाई कर सकता है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 25 साल उम्र होनी चाहिए, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट चार्ज मैन फ्रंट कैबिन की बात करें 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, DA होना चाहिए, 35 साल उम्र होनी चाहिए, मेल। ये समझ लें कि पूरा एक उन्होंने को डिपार्टमेंट डेवलप करना है, पूरी A to Z उसके अंदर जो है वो रिक्रूटमेंट आई हुई है। सब इंजीनियर की बात करें मशीन ऑपरेटर स्पेशलिस्ट होना चाहिए, इसके अंदर जो है 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, DA होना चाहिए, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिक के अंदर, मेल होना चाहिए, 35 साल उम्र चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट की बात करें मिनिमम 3 से 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, BBA सप्लाई चेन की होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर डेवलपर की बात करें 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव इंटरनल ऑडिटर की बात करें 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, BBA होना चाहिए। डिप्टी मैनेजर F&A की बात करें तो इसमें भी 8 से 10 साल जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड है। वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव की बात करें 5 साल एक्सपीरियंस BCom होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर सप्लाई चेन की बात करें BS फाइनेंस होना चाहिए, 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्टी मैनेजर कॉर्पोरेट एंड टैक्स, असिस्टेंट मैनेजर टैक्स, असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग इंटरनल ऑर्डर, 5 से 7 साल या 3 साल 3 से 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये फाइनेंस की डिग्री है, MBA, BS, ICom, BCom ये वाले बंदे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मार्केट बेस्ड सैलरीज है, CV अपनी लेटेस्ट अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो एज सुन एज पॉसिबल आप इसमें अप्लाई करें। इसकी 17 मई 2023 इसकी लास्ट डेट है। डिग्री आपकी अच्छे से रिकॉग्नाइज लाजमी होनी चाहिए और जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके टॉप राइट कॉर्नर पर आपने लिखा होना चाहिए जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल के मुताबिक मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट रूल के मुताबिक है, ठीक है। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को बुलाएंगे, टिकट ये नहीं देंगे और एप्लीकेशन को एक्सेप्ट रिजेक्ट करने के राइट्स जो हैं वो इनके पास हैं। असिस्टेंट मैनेजर HR PO बॉक्स नंबर 1922 इस्लामाबाद, यहाँ पे आपने अप्लाई करना है। इसमें ये मेंशन नहीं है ये पोस्ट इस्लामाबाद की है या आप कहीं और भी कर सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं। ये तो जब आपकी जॉब होगी फिर होगी। पब्लिक सेक्टर में जॉब है कोई भी सेक्टर हो सकता है, ये कोई आर्मी का भी हो सकता है, ये कोई पुलिस का हो सकता है, ये कोई एटॉमिक एनर्जी का हो सकता है, कोई भी सेक्टर हो सकता है। इसके अंदर जो है वो 0519278276 ज़रूरी है। अगर ये इदारा उनका है तो ये परमानेंट जॉब होगी। ये उन्होंने ऐसा भी हो सकता है कि वो अपना वो सेपरेट इदारा लाइक FBR अपना कोई ऐसा इदारा बना रही है जिसके अंदर
उनको आईटी के बंदे चाहिए, फाइनेंस के बंदे चाहिए, जिसके ऊपर वो कोई अपना कोई इस तरह का आज के जो जदीद दौर की जो टर्मिनोलॉजी है वो अब डेवलप करना चाह रहे हैं, वो सेपरेट इदारा बना के पब्लिक सेक्टर शो करके उसमें वो काम करवा के तो वो उसको वो बंद कर सकते हैं। ये इस तरह की जॉब्स भी हो सकती हैं। तो लेकिन ये है कि इसमें सैलरीज अच्छी होती हैं और आपका एक्सपीरियंस वाला बंदे का जो है वो प्रेफर ही करेंगे। फ्रेश ग्रेजुएशन इंटर्नीज जो है उनको वो भी रिक्वायर्ड हैं, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ जाकर उनको परमानेंट सीट के चांस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो जो बंदा स्पेशली जो इस्लामाबाद का वो तो लाजमी इसमें अप्लाई करें ना। और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कंप्लीट डिटेल आपके साथ कोशिश किया शेयर करूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अपना अपने आसपास का ख्याल रखिएगा भाई, को दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।